अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अंसर अली। आप देख रहे हैं फ्लाइंग टू वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लग्जमबर्ग जो यूरोप कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत, इसका टूरिस्ट वीजा किस तरह अप्लाई करना है, इसकी वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी आपने अपॉइंटमेंट किस तरह बुक करनी है और इसकी वीजा फीस कितनी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो मिल सके। लग्जमबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, इनकी जितनी भी वीजा एप्लीकेशन है वो सारी बेल्जियम एम्बेसी ही प्रोसेस करती है। लग्जमबर्ग के वीजा के लिए आपने VFS की वेबसाइट पर जाके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाके आपने पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उस दिन आपने जेरी ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। वो आप इस्लामाबाद में करवा सकते हैं, कराची में करा सकते हैं, लाहौर करा सकते हैं, जिस जगह आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उस जगह पर जाके आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो बेल्जियम एम्बेसी ही इनका वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा। उसे ओपन करके आपने वीजा एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद उसे प्रिंट निकालना है, उस पर साइन आपके लाजमी होनी चाहिए। साथ आपने कवरिंग लेटर अच्छे से तरीके से लिखना है, जिसे वीजा जिसको वीजा रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। अच्छे तरीके से लिखने के बाद उसमें आपने अपने बारे में, अपनी फैमिली टाइज के बारे में, बिजनेस के बारे में और अपने ने जो टूर करना है उसके बारे में आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। साथ आपने कवरिंग ट्रैवलिंग प्लान लिखना है, एक पेज का वो 5 से 7 डेज का होना चाहिए। उसमें आपने बताना है डे बाई डे आपने किस किस जगह आपने स्टे करना है और किस किस जगह आपने विजिट करना है। लग्जमबर्ग की सिटी वगैरह के नेम और जिस जगह आपने विजिट करने हैं उनके नेम आपने लाजमी लिखने हैं। आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पहले के वीजे लगे हैं उनके भी काफी साथ लगाएं, आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए, FRC होनी चाहिए, अगर शादीशुदा मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ लगा सकते हैं, फ्लैट रिजर्वेशन आपने करनी है, होटल बुकिंग करनी है। होटल बुकिंग यूरोप की किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई, होटल बुकिंग आपने कन्फर्म करनी है। साथ आपने इंश्योरेंस करनी है, बैंक स्टेटमेंट पर्सनल आपने लगानी है, अगर बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है वो भी साथ लगाएं। साथ आपने बैंक से अकाउंट मैनेजर लेटर लेना है, इन दोनों पे आप बैंक मैनेजर के साइन और स्टैंप होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपने 6 मंथ की लेनी है। बैलेंस इसमें बैंक में जो है आपका 20 से 25 लाख होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो NDN की कॉपी लगाएं, 2 ईयर टैक्स रिटर्न की कॉपी साथ लगाएं, चैंबर के मेंबरशिप कार्ड और सर्टिफिकेट की आप साथ कॉपी लगाएं, चैंबर से वीजा रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं उसकी कॉपी साथ लगाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप लगाएं 6 मंथ की और साथ NOC लें। अगर स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो फिर बैंक स्टेटमेंट आप अपने वालद भाई के साथ लगा सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप NOC लें, साथ आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। इसके साथ आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं, जिनमें आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की कॉपी साथ लगाएं, सेल परचेज की रसीदें लगाएं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जेरी ऑफिस चले जाना है, वहां पे जाके आपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवा देने जिस जो डेट टाइम आपको मिला होगा। इनका वीजा प्रोसेस टाइम तकरीबन 2 वीक है। वीजा फीस इनकी 80 यूरो है। ये अगर डॉक्यूमेंट सारे आपके पास हैं तो आपका वीजा 100% आपको मिल जाएगा। अगर किसी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो तो मैं नीचे एक ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां पे जाके आप अपील भी कर सकते हैं। वीजा पासपोर्ट जो है आप वापस जब आपको मिलता है, आपको मेल आती है या फोन आता है, आप लेने के लिए 2 बजे से 5 बजे तक आप जा सकते हैं। दोस्तों ये थी लग्जमबर्ग के वीजा के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर लग्जमबर्ग के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या किसी और कंट्री के वीजा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।